खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है। अब फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। दिल्ली की सत्ता में 21 साल बाद वापस लौटने का पूरा जोर लगा रही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए मैदान में स्टार प्रचारकों की भारी फौज उतारती है। स्टार प्रचारकों में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 5 जनसभाएं कर पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। सीएम योगी की रैली से पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जनता को यह बताना चाहिए कि स्वामी चिन्मयानंद से उनका क्या रिश्ता है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, योगी जी आज दिल्ली आ रहे हैं। योगी जी, दिल्ली वालों को जरूर बताना कि चिन्मयानंद से आपका क्या रिश्ता है। मासूम बच्चों ने गोरखपुर में दम क्यों तोड़ दिया? बाबा ये भी बताना, मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी क्यों खिलाते हो? बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में 12 जनसभाएं होंगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और श्याम जाजू भी लगातार जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ से खासकर उन जगहों पर प्रचार करवाया जा रहा है जहां पूर्वांचल मूल के लोगों की अच्छी पकड़ है। जानकारों की माने तो दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी प्रत्याशियों में पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा योगी की डिमांड रही, जिस कारण उनकी इतनी रैलियां प्रस्तावित हुई। इसके अलावा दिल्ली सीएम के प्रबल दावेदार मनोज तिवारी का यूपी और पूर्वांचल से गहरा नाता है। पार्टी का ये मानना है कि सीएम योगी के प्रचार से पार्टी को वहां बड़ा फायदा पहुंच सकता है। दरअसल भाषण में योगी के आक्रामक शैली की वजह से कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश जैसे विधानसभा चुनावों में भी उनकी डिमांड काफी रही है। दिल्ली में अभी पहले से ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री, 200 से अधिक सांसद चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ पिछले करीब 45 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी की ओर से इसी को चुनावी मुद्दा बनाया गया और आर पार की लड़ाई छेड़ दी गई। अभी तक अपने बयानों में बीजेपी नेता शाहीन बाग की तुलना शैतान बाग, तोहीन बाग, मिनी पाकिस्तान जैसे शब्दों से कर चुके हैं। नागरिकता कानून को लेकर के नहीं है ये धरना, तो इस बात को लेकर के है कि भारत दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में कैसे उभर रहा है, कैसे रोका जाए भारत को। और इसलिए उनकी चिड़ ये है कि इनके पूर्वजों ने भारत के टुकड़े कर दिए थे, आज भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बन जा रहा है। इनके पूर्वजों ने इस देश के आन मान और शान के साथ सदैव खिलवाड़ किया, आज कैसे भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। इनकी चिड़ इस बात को लेकर के है कि ये लोग नारे तो लगाते थे महिला सशक्तिकरण की, लेकिन इसी दिल्ली के अंदर नैना सानी हत्याकांड भी होता था, तंदूर कांड भी होता था, और तंदूर कांड के माध्यम से कैले कैसे माता और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था, कैसे 3 तलाक के नाम पर साबानो प्रकरण के मामले में कांग्रेस ने कोरे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को भी पलटने का कार्य किया था। लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, 3 तलाक की अनैतिक और अवैध कार्रवाई को पूरी तरह प्रतिबंधित करके 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का मादा भी मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।